योग गुरु बाबा रामदेव ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को सलाह दी है कि वह बड़े फैसले लेने से पहले देश के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से खुद को वाकिफ कर लें। जेएनयू जाने पर दक्षिणपंथी दलों के निशाने पर आई अभिनेत्री को लेकर चुटकी लेते हुए बाबा ने कहा कि दीपिका को उनके जैसे लोगों को अपना सलाहकार नियुक्त कर लेना चाहिए ताकि उन्हें अहम मुद्दों पर निष्पक्ष राय मिल सके। गौरतलब है कि जेएनयू में 5 जनवरी को हुई हिंसा के खिलाफ विरोध करने और आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में वहां पहुंचने को लेकर दीपिका पादुकोण चौतरफा आलोचना का शिकार हो गई है। सोमवार को इंदौर आए बाबा रामदेव ने दीपिका को लेकर कहा कि अभिनेत्री के रूप में दीपिका एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, हालांकि उन्हें अपने देश के सामाजिक राजनीतिक व सांस्कृतिक मुद्दों के बारे में भी जान लेना चाहिए और उसके बाद ही बड़े फैसले लेने चाहिए। CAA का पूरा समर्थन करते हुए रामदेव ने कहा कि देश के वे लोग इसका विरोध करते हैं जिन्हें इसका पूरा अर्थ तक नहीं पता। ऐसे लोग PM नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गंदी भाषा का उपयोग करते हैं, आज़ादी के नारे लगाकर देश की छवि खराब कर रहे हैं। VV में आज छात्र नेहरू वाली आज़ादी चाह रहे हैं, फिर गांधी वाली आज़ादी के नारे लग रहे हैं और करते करते जिन्ना वाली आज़ादी की मांग हो रही है। ऐसे नारेबाजी से शिक्षा व समय का नुकसान हो रहा है। ये शर्मनाक है। जो लोग देश में अराजकता फैला रहे हैं, सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रामदेव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि वे दूरदर्शी व्यक्ति हैं। उनकी जितने अच्छे संबंध पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान से थे, उतने ही अच्छे कमलनाथ से भी हैं। कमलनाथ को पता है कि प्रदेश में सरकार कैसे चलानी है। बाबा ने कहा कि उनकी प्रदेश सरकार से केमिस्ट्री अच्छी है। प्रदेश सरकार ने खुद द्वार खोलकर पतंजलि को उद्योग लगाने के लिए आमंत्रण दिया है।